ऐसी क्या विशेष बात है जो विशेष रूप से ये बैठक बुलाई गई है? भाई परीक्षा तो हर साल होती है, जब हम विद्यार्थी थे तब भी परीक्षा होती थी, और जब हम शिक्षक बने तब भी परीक्षा होती है। जो जो चीजें पहले होती आई थी वो आज भी होती है और आगे भी होती रहेगी। अरे कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं तो कुछ नहीं पढ़ते हैं, कुछ उत्तीर्ण हो जाते हैं तो कुछ बेचारे अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, पास फेल। हाँ, लेकिन अब हम इस परंपरा को ऐसा तो नहीं बना सकते ना कि अगर परीक्षा विद्यार्थी का हो तो वो परीक्षा शिक्षक के भी हो। त्रिपाठी जी, दरअसल ये जो इम्तिहान विद्यार्थियों के लिए होते हैं वो शिक्षकों के भी तो होते हैं। परीक्षा विद्यार्थियों की होती है तब हमारी भी तो परीक्षा होती है। जब रिजल्ट्स निकलते हैं और कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस में 100% विद्यार्थी पहली डिवीजन में पास होते हैं, जैसे उन स्कूल्स और कॉलेजेस का नाम होता है वैसे ही उन शिक्षकों का भी तो नाम होता है जिन्होंने उन विद्यार्थियों के पीछे दिन रात एक किए हैं, एक सपना देखा है, उन्होंने चाहा है कि ऐसा हो। यह सबके चाहने की वजह से हुआ है और इसमें उनकी संस्था और प्रिंसिपल भी शामिल है, सब एक होंगे उसमें। अनिरुद्ध जी, हम तो एक हो जाएंगे पर स्टूडेंट्स क्या वो एक हो पाएंगे? और वो अपना रविराज, उसकी तो जिम्मेदारी ली थी आपने, तो उसका क्या हुआ? देखिए गुप्ता जी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, और शायद आप लोग जानते नहीं है लेकिन उसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के लिए हॉल टिकट मिल गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छे नंबरों से और अच्छे डिवीजन में पास होगा। और वो सोनम आपकी स्टूडेंट, वो भी तो नहीं आती कॉलेज में आजकल। मैं आई कम इन मैम? ओह सोनम, आओ आओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट। अनिरुद्ध जी, संजीव का क्या कीजिएगा? उसका तो नाम ब्लैकलिस्ट में है। पहले इम्तिहान में बैठने का लायक तो बने, फिर हम आपके मीटिंग में भी आ जाएंगे, आपकी बात भी मान लेंगे। लेकिन संजीव जैसे स्टूडेंट्स का क्या कीजिएगा? पहले क्लास में आके लेक्चर सुनने के काबिल तो हो। देखिए, ये मीटिंग मैंने एक मकसद से बुलाई है, ये मैंने अपने निजी फायदे के लिए नहीं बुलाई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिन्हें कुछ बातें समझ में नहीं आ रही, अगर उनके लिए हम कॉलेज खत्म होने के बाद एक घंटे के लिए या फिर आधे घंटे के लिए भी एक्स्ट्रा क्लासेस ले लें तो उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और हमारे कॉलेज के और संस्था के बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अनिरुद्ध जी, आपके घर में कौन कौन है? जी मैं अकेला रहता हूं। अकेले रहते हैं? आप कभी घर के लिए सब्जी तरकारी लेने गए बाहर? जी नहीं। नहीं गए? कभी राशन की लाइन में खड़े हुए हैं आप? नहीं। नहीं। बिजली की बिल की लाइन में? जी नहीं गुप्ता जी। नहीं। कोई बच्चे बच्चे हैं आपके? कोई रिश्तेदार जिनके घर पर आप जाते हो, या कोई दोस्त अहबाब जो आपके घर आते वाते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है गुप्ता जी। आप क्या कहना चाहते हैं त्रिपाठी? देखिए अनिरुद्ध जी, हम समाज में रहते हैं, हम लोगों के घर आते जाते हैं और लोग भी हमारे घर आते जाते हैं। ये दुनियादारी, रिश्तेदारी, जो भी नियम कानून समाज ने बनाए हैं हम उन्हें निभाते हैं। सब्जी खरीदना या राशन की कतार में खड़े रहना हमारे जीवन का अंग बन गया है। महाविद्यालय समाप्त हो जाने के बाद हमारी ड्यूटी समाप्त नहीं होती। हमारी ड्यूटी महाविद्यालय की चहारदीवारी के भीतर ही सीमित नहीं है, इसके अलावे भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं।
हमें अपने घर जाकर अपने बच्चों को स्वयं पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हम ये ट्यूशन का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर हम ये एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए समय कहां से लाएं? सोनम, तुम्हें यहां 10-15 मिनट क्लास से पहले बुलाने का मेरा कुछ मकसद था। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। जी मैम। देखो सोनम, जतिन के गुजर जाने का सदमा हम सबको हुआ है, हम सबको दुख पहुंचा है। जाहिर है कि तुम्हें ज्यादा पहुंचा है, क्योंकि तुम इसके काफी करीब रह चुकी हो। तुम दोनों का जो रिश्ता था या कायम होने जा रहा था, देखो मैं नहीं चाहती कि किसी भी चीज का तुम पर असर हो या तुम इन चीजों को इतना सीरियसली ले। तुम्हारा एक फ्यूचर है, तुम्हारी अपनी जिंदगी है। मैं नहीं चाहती तुम इन सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो या ये तुम्हारी करियर के आड़े आए। देखो एग्जाम्स सर पे हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे सारे स्टूडेंट्स फ्लाइंग कलर्स से पास हों, 100% रिजल्ट आए। तुम्हारे बारे में मैंने सुना है। नहीं मैम, मैं ठीक हूं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। सोनम, मुझे तुम्हारे रेगुलर अटेंडेंस चाहिए। यस मैम। अगर तुम एक्स्ट्रा क्लासेस चाहती हो या एक्स्ट्रा टाइमिंग्स चाहती हो तो मिस्टर माथुर इज ऑलवेज देयर विद यू, कॉलेज टाइमिंग्स के बाद भी। इनफैक्ट उन्होंने बाकी टीचर्स की मीटिंग भी बुलवाई है ताकि बाकी सारे स्टूडेंट्स के हर सब्जेक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो। देखिए मैं जानता हूं कि आपकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हमारी एक अहम जिम्मेदारी भी तो है हमारे विद्यार्थियों की तरफ। मैं जानता हूं कि कुछ विद्यार्थी ट्यूशन्स अफोर्ड कर सकते हैं, उनके मां बाप के पास बहुत पैसे हैं, इसके लिए कोचिंग क्लासेस तो अब एक इंडस्ट्री बन गई है। लेकिन अगर उनके मां बाप उन्हें सीधे कोचिंग क्लासेस ही भेजना चाहते हैं तो महाविद्यालय क्यों भेजें? और वही ज्ञान जो हम कॉलेज में उन्हें दे सकते हैं, वही ज्ञान अगर हम एक प्रीमियम लेकर क्लासेस में बेच दें तो हमने हमारी जिम्मेदारी को नकारी दिया है। अच्छा त्रिपाठी जी, हमारी उन विद्यार्थियों की तरफ भी तो कोई जिम्मेदारी है जो क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो सिर्फ कॉलेज अटेंड कर सकते, उनकी तरफ हमारी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? उन विद्यार्थियों को तो हमें और ज्यादा लगन से पढ़ाना चाहिए और इतनी मेहनत लेनी चाहिए कि जो विद्यार्थी क्लासेस अटेंड करते हैं, कोचिंग क्लासेस जाते हैं, उन्हें भी हम कॉलेज अटेंड करने पर मजबूर कर दें। यह भी तो हमारी एक जिम्मेदारी है। इसीलिए मेरी आप लोगों से इल्तिजा है कि आप लोग अगर अपना जरा सा समय अपने विद्यार्थियों को दे दें तो हमारे रिजल्ट्स और ज्यादा अच्छे आ सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। बस मुझे इतना ही कहना था। मैं चलती हूँ मैम, और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मेरी पर्सनल रिफ्लेक्शन या अपनी कोई भी निजी समस्या मेरे और मेरे करियर और फ्यूचर के बीच में आए। मैं तुमसे यही उम्मीद रखूंगी। थैंक यू सनम। नहीं मैम, आप क्यों थैंक यू बोल रही हैं? थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि मुझे आपने
and work hard. Yes, ma'am. कर रहा है तू? आज तो कॉलेज में कैसे? मुझे तो बुलाया गया, तू यहां पर क्या कर रहा है? बस यूं ही। यूं ही? पहले पता तो कर ले तेरी जरूरत कहां पर है, घर में है या कॉलेज में? कहीं भी नहीं है तेरी जरूरत, फिर भी भटकता रहता है दोनों जगहों पे। क्या बात है, आज दिन की शुरुआत में तो इतने कड़वा है। मैं बोल रहा हूं ना, मेरे मुंह मत लग, फिर क्यों? ए दोस्त, क्या बात है? कुछ कुछ नहीं, तू जानता है मैं पहले से ऐसा था। तुझे अनुरोध सर ने बुलाया? प्रिंसिपल मैडम। प्रिंसिपल मैडम ने क्या? मेरी अटेंडेंस पूरी नहीं हुई। तो क्या, नाम काट देंगे, बैठने नहीं देंगे एग्जाम्स में, हॉल टिकट नहीं मिलेगा। अब तू क्या करेगा? करूंगा क्या, वही करूंगा जो आज तक करता है। और वैसे भी इन एग्जाम्स में बैठकर क्या कर लेता हूं? मैं देखना चाहता हूं कि ये जो बैठने वाले ना एग्जाम्स में, वो लोग क्या कर लेते। जैसे तू क्या करेगा एग्जाम्स के बाद? बाप की दुकान पे बैठेगा ना हलवाई के। तो जा यार, तेरा दिमाग खराब हो गया। एक का दिमाग सही होता नहीं है, दूसरे का खराब हो जाता है। आया था रविराज, उसका नाम मेरे सामने मत ले, और अगर मिले ना तो उसको बोल देना कि एक बार घर पे आया था, अब दोबारा आएगा ना तो ऐसा। मैं क्यों बोलूं, तू जाके बोलना। मैंने बोला है उसको, और अब की बार बोलूंगा नहीं, बात नहीं करूंगा उससे, मारूंगा उसको पकड़ के। तू जा यार, तेरा दिमाग खराब हो गया है। कुछ भी हो गया यार, ये सारी दुनिया के लोग पूरी फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर ही क्यों निकालते हैं? मेरी खुद की फ्रस्ट्रेशन कम है क्या? हाय संजीव। हाय सोनम। कैसे हो तुम, आजकल दिखते नहीं। तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। और तुम? बस हाल कुछ ज्यादा ही खराब है आज। क्यों, क्या हुआ? वो सब छोड़ दो, खुशहाली कैसे? वो भी ठीक है। आ जाए नहीं कॉलेज? नहीं, आने वाली है, आज प्रिंसिपल मैम ने मुझे जरा जल्दी बुलाया था। क्यों, तुम्हारी भी अटेंडेंस? नहीं संजीव, वो हो या वैसे मुझे अटेंडेंस के लिए बुलाया। अब कुछ नहीं, उनसे मिलता हूँ, उसके बाद तुमसे मिलता हूँ। तुम हो ना कॉलेज? हाँ। मैं मिलता हूँ। बाय। मैं कम इन मैडम। कम सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सिट। Thank you. You're welcome. सोनम, मुझे लगता है संजीव का दिमाग खराब हो गया, नीम से भी कड़वा हो गया। ठीक है ना, आखिर अभी उसकी अपनी तकलीफें हैं। तकलीफें किसको नहीं है? तुम्हें नहीं है, जतिन को नहीं थी। I'm sorry. I'm really sorry. मेरा वो मतलब नहीं था यार, रुशाली की अपनी प्रॉब्लम्स है, रविराज की अपनी प्रॉब्लम्स है, अब हम एक दूसरे से यूं कट लिए तो हो गया फिर? खेल। अरे मैंने उसको कहा, क्या बात है संजीव, आज तो सुबह सुबह कॉलेज में, क्या बात है? मैंने, हाँ मुझे तो कॉलेज में बुलाया गया है, तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा यार, सुबह सुबह इतना कड़वा क्यों होता है? ऐसा ही हूं मैं, मेरे मुंह मत लगो। उसको बोला यार, तेरा अटेंडेंस कम है, तू एग्जाम में नहीं बैठ सकता, तो क्या करेगा तू? देखते हैं
जो एग्जाम में बैठ रहे हैं क्या उखाड़ लेंगे? What is this है? अखिल उसका मूड खराब होगा। तो हमारा मूड क्यों खराब करता है वो? ए संजीव, 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 इसको क्या हुआ? बता, संजीव, संजीव, संजीव?